Hello, good morning, 8th standard students. Today I am going to continue with the 1.1 A Time to Believe poem of your 8th standard textbook English. To believe is to know that every day is a new beginning. हमको हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हर एक दिन एक नया शुरुआत है. Is to trust the miracles happen. हमें विश्वास रखना चाहिए कि जादू होगा. And dreams really do come true. हमारा सपना सच होगा. Right? तो पहले पैराग्राफ हमने क्या समझा कि हमको हमेशा हर दिन नया शुरुआत लगना चाहिए और हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कुछ जादू होगा और हमारा सपना सच होगा. तो बिलीव टू सी द एंजल्स डांसिंग अमंग द क्लाउड. एंजल्स जो क्लाउड में डांस कर रही है. टू नो दैट द वंडर ऑफ स्टार स्काई. मैजिकल कुछ होगा. एंड द विजडम ऑफ मैन इन द मून. और मून में जो मैन है वो हमारी विजडम को पूरा करेगा. तो इसमें डांसिंग क्लाउड्स के बारे में दिया. एंजल्स आर डांसिंग इन द क्लाउड. And some magic will happen and our wisdom will come true. To believe is to know that the value of nurturing heart. हमारा जो heart है जो हमें से protection देता है हमें life को save करके रखता है. उस heart के ऊपर हमें विश्वास रखना चाहिए. Innocence of child as eyes. Child की आँखों के innocence को देखना चाहिए. Beauty of aging hand. जो बूढ़े लोगों के हाथ है हाथ काँपते हुए हाथ है उनको देखना चाहिए. For its through teaching we learn to love. ये सब टीचिंग से हमको क्या सीखना चाहिए. प्यार करना सीखना चाहिए. तो इसमें क्या दिया है. हमको अपने नर्चरिंग हार्ट जो हमारा हार्ट है जो हमें लाइफ देता है उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए. चाइल्ड्स आई के इनोसेंस को देखना चाहिए. और जो एजड लोगों के हाथ है उनकी ब्यूटी को देखना चाहिए. और इन सब चीज़ों से हमें वी लर्न टू लव. हमको लव करना सीखना चाहिए. नेक्स्ट टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस. हमको हमारे ताकत पे हमारे साहस के ऊपर विश्वास रखना चाहिए जो हमारे अंदर है. व्हेन इट इज़ टाइम टू पिक अप द पीसेस एंड बिगिन अगेन. जब भी हमको टाइम मिलता है तो कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गया तो उस प्रॉब्लम के बाद हमको क्या करना चाहिए. ये वापस नई शुरुआत कर देनी चाहिए. Then in this paragraph what we learn we see that to believe is to find the strength and courage that lies within us. हमें हमारे ताकत पे हमारे साहस पे विश्वास रखना चाहिए जो हमारे अंदर है. When it is time to pick up the pieces and begin again. Right? यहाँ पे pick up the pieces का मतलब क्या होता है. Return to normal after a shock or disaster. When it is time to pick up the pieces and begin again. जब भी हमको normal condition में आने का मौका मिलता है किसी shocking condition से normal condition में आने का मौका मिलता है तो हमेशा हमको शुरुआत करना चाहिए. टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन. हमको विश्वास रखना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं है. लाइफ इज़ अ गिफ्ट. लाइफ एक गिफ्ट है. दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट. हमको अपना लाइफ को अच्छा बनाना है. टू बिलीव इज टू नो दैट वी आर नेवर अलोन. हम लोग अकेले नहीं है. द लाइफ इज़ अ गिफ्ट. लाइफ एक गिफ्ट है. एंड दिस इज आवर टाइम टू चेरिश इट. हमारा टाइम है इसको चेरिश करना. टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन. हमको विश्वास रखना चाहिए कि हमारा वंडरफुल सरप्राइज जो है हमारे लिए वेट कर रहे हैं. एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच इफ ओनली वी बिलीव. और हमारे जो भी सपने हैं हमारी जो आशाएं हैं वो हम पूरा कर सकते हैं. पॉसिबल है अगर हमने बिलीव किया तो. टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइज वेटिंग टू हैपन. वंडरफुल सरप्राइज हमारा वेट कर रहे हैं. एंड ऑल आवर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच. हमारे होप्स एंड ड्रीम्स जो है हमारे नज़दीक हमारे पहुँच के पास है. If we only we believe, अगर हम विश्वास करते हैं तो. So then these paragraphs is very important for you to. अगर आपको मीनिंग नहीं समझा रहेगा तो वीडियो को रिपीट करके वापस मीनिंग समझो. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द क्वेश्चन. वॉट कुड नो एंड ट्रस्ट एवरी डे. हमको एवरी डे क्या ट्रस्ट करना चाहिए. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज गिवन हियर. सी एवरी डे वी हैव टू ट्रस्ट. यहाँ से आंसर है. पहले लिखने का एवरी डे ट्रस्ट. एवरी डे लिखने ये मतलब ये लिखने के बाद एवरी डे लिखना ट्रस्ट दैट माइरिकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली कम ट्रू. दिस इज विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. इज दिस क्लियर. दिस विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. द ट्रस्ट दैट माइरिकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट आर द टू सुपर नेचुरल रेफरेंसेज इन द सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में सुपर नेचुरल रेफरेंसेस क्या दिए. तो पहला टू बिलीव इज टू सी एंगल्स डांसिंग अमोंग द क्लाउड्स. दिस विल बी द फर्स्ट सुपर नेचुरल. एंड विजडम ऑफ द मैन इन द मून.
this will be the second supernatural references. To believe is to see angel dancing among the cloud, and wisdom of the man in the moon. These two are the supernatural references. Next question is, what two qualities are needed to recover after a shocking event? शॉकिंग इवेंट से वापस रिकवर करने के लिए दो क्वालिटीज क्या क्या चाहिए? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज हियर टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस मीन्स टू बिलीव स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस दिस टू क्वालिटीज आर इम्पॉर्टेंट अस टू नीडेड टू रिकवर आफ्टर शॉकिंग इवेंट स्ट्रेंथ एंड करेज इज टू क्वालिटीज कौन सा To believe to find the strength and courage that lies within us. This will be the answer of last question. Okay? Then first question answer is here. Trust se leke truth up. Second question answer is here. What two supernatural qualities? Supernatural qualities, magical qualities kya? So angels dancing among the cloud and wisdom of the man in the room. And then what two qualities are needed to recover after shocking? To believe is to find the strength and courage that lies within us. Iske alawa aapko word meaning karna hai. Stardust having a magical quality, nurturing providing nourishment, aging growing old, pick up pieces return to normal after shock or disaster, cherish hold something as very dear and great value and within reach possible to achieve. Is this clear? Ye word meaning bhi karna hai. After that you have to rearrange the letter, make meaningful words occurring in the poem. Rearrange the letters to make meaningful words. राइट तो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? दिस विल बी माइरिकल्स MIRACLES मीन्स वी हैव टू रीअरेंज द अल्फाबेट टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस एंड वॉट इज दैट विजडम दिस विल बी द विजडम WISDOM विजडम इट इज एंड देन दिस करेज COURAGE करेज इट इज एंड दिस इज we can see that this will be the surprise. What will be the? It is surprise. SURPRISES. Okay? Surprises. It is the surprises. Okay? Because three S's there. SURPRISES. Next, this will be the. This will be the beauty. BEAUTY. And this may be the dreams, DREAMS, and this will be the value, the answer will be value, and this will be the wonder, this will be the wonder. Is this clear? Miracles, wisdom, courage, surprises, beauty, dreams, value and wonder. Next is, write the words from the poem that describe the following. Sky. Sky ka kya hota hai? Stardust sky. Star, dust, sky. Correct? Star, dust, sky. It is given here. Stardust sky. Next is heart. So heart ka kya hoga? Nurturing heart. Hand. Hand ka aging hand. Beginning ka kya hoga? We can search the beginning here. New beginning. It is see. New beginning is here. Surprises. Surprises. What we can see in the surprises? Surprises. Gone for surprises. The answer will be wonderful. Is this clear? Then for today's homework, you have to complete all these word meaning, which is given in a textbook. If you don't have a textbook, just take this screenshot. This question and this question, second question, third question, and last question you have to prepare. Right? Last question is answer, I think I didn't given you. What kind of attitude does the poet advise every day to have? Every day, what type of everybody? What kind of attitude does the poet advise everybody to have? Any one paragraph we can write the answer. To believe is to find the strength and courage that lies with us. This quality means strength and courage that lies with us. To believe is to find the strength and courage that lies with us. These qualities and the poet advise everybody to have.
राइट। तो आपको आंसर कहाँ से लिखना है, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस, ये होने ही लिखने के बाद आपको लिखना है द पोएट एडवाइज एवरीबडी टू हैव। ओके देन योर होमवर्क, यू टू राइट द आंसर ऑफ दिस 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन आंसर, राइट। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग ऑल्सो, वर्ड मीनिंग भी आपको प्रिपेयर करना है, वर्ड मीनिंग भी लिखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, रीअरेंज द लेटर्स, लेटर्स अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं, और उसके बाद राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट, राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ये भी करना है, ठीक है। इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क, राइट। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग होमवर्क प्लीज सेंड योर होमवर्क इन द ग्रुप, एंड थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।